इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। उसमें मजीद हम देख रहे हैं अशिद्दत आती चली जा रही है और अब से 2 से 2.5 हफ्ता का ये दौरानिया है, तो एहतजाज जो है मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बात अब यहां पर आ गई कि किसान जो है वो भूख हड़ताल कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि बंद कर दिए जा चुके हैं। जो मोदी सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इन किसानों को मनाने में जल्द कामयाब होती दिखाई दे रही है, इस पर बात करें। जनक साहब बताइएगा, आप समझते हैं कि जल्द किसानों को मनाने में कामयाब होगी ये गवर्नमेंट मोदी सरकार की, आपका तजिया एक मिनट में। देखिए, जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अनार का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं देगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए, पहले डिमोनिटाइजेशन की, तबाही फिर गई वहां पर, जहां जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं लेता। और ये उसके इमेज का मसला है, अगर ये स्टेप वापस लेता है तो नेचुरली उसको फीलिंग वो कन्वे ये कर रहा है कि जो मैं 56 इंचेस चेस्ट वगैरह की बातें करता रहा हूं, मैं तो क्लैप्स कर गया हूं, छोड़ गया हूं, ये उसका मसला बहुत बड़ा है। लेकिन ये है कि ये इशू इतना ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये किसानों का माशी कतल है, तो वो मेरा ख्याल है कि इनको बिलाखिर ये कानून खत्म किए बगैर जान भी छूटेगी। इसके अलावा इनका हल नहीं, और कोई हल नहीं है उसके पास। अदर योर पॉइंट, देखिए ये इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और साउथ की डिवाइड है ना, ये उसमें ये चीज बड़ी वाजे तौर पे हमें नजर आती है। साउथ के अंदर अगर आप देखें कि हजारों किसान हर साल खुदकुशियां करते हैं, पंजाब में जो सिख किसान है वो निस्बतन खुशहाल है, हालांकि बहुत ज्यादा खुशहाल वो नहीं है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक यहां पे नहीं है। इनकी ख्वाहिश है कि यहां पे भी सिखों की वो हालत हो जाए जो साउथ में दूसरी जानिब दूसरे किसानों की हालत है। और प्रॉब्लम यह है कि मोदी, आपको पता है कि वो लुक आफ्टर कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडिया का इंटरेस्ट, और इसमें भी उनकी ये ख्वाहिश है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना किरदार अदा करें। और जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि मोदी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो जो भी फैसला करते हैं चाहे वो जितना भी गलत हो उसको कभी वापस नहीं लेते। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कैनेडा तक भारत की हर सफारत खाने के बाहर सिख खड़े हैं, किसान खड़े हैं और घेराव कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो मोदी कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे ये भी अभी देखना पड़ेगा। देखिए, ये जो तीन लॉज हैं, इनको तीनों के तीनों को वापस लेने के अलावा और कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। इनको सिर्फ वापस लेना ही मसले का हल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 60% 70% ऑफ द इंडियंस फार्मर्स जो कि उस शोबे से वाबस्ता है, उनका रोज का रोजगार है वो, तो या वापस लें या फिर क्राइसिस के लिए तैयार रहें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, थ्रोइंग देम टू द वुल्व्स, इट्स लाइक आपने गरीब किसान को भेड़ियों के आगे डाल दिया है, बीच में से गवर्नमेंट हट गई है जो असल में आपकी सेवियर होती है, आपको कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से बचाती है। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन किसान एंड कॉर्पोरेट सेक्टर मींस कि आपने, और आपको यह मालूम होना चाहिए, ज़रियाब आई वांट टू मेंशन इट हियर, कि आप अपने ही मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते उन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ, कि अगर आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती कर दी, धोखा कर दिया, आप अपनी मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते, बिकॉज वो कॉर्पोरेट सेक्टर सुप्रीम है। तो ये इतना बड़ा मसला है कि ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा अनिका, क्विकली विद इन वन मिनट। देखिए, एक तो भारत में ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी को इसी तरह के डिसीजंस आगे भी लेते रहना चाहिए, ताकि जो दर्जनों आजादी की तहरीकें हैं वो और ज्यादा तूल पकड़े। जो किसानों का मसला है ना, किसान एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है जो कि किसी भी मुल्क की बका का जामिन होता है, और वहां भारत के अंदर जो किसानों के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो एहतजाज चल रहा है और जिस तरीके से किसानों ने आगे थ्रेटन कर दिया है कि हम लोग वो इकदामात लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो इकदामात हम लेना नहीं चाहते, ये लम्हा फिक्रिया है नरेंद्र मोदी के लिए, जिसकी डिटाई ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे रीजन को अभी डिस्टेबलाइज कर रही है। मेरे ख्याल में अगर वेकअप कॉल लेना चाहे तो मोदी ले लेना चाहे तो मर्जी।
डॉक्टर साहब क्विकली प्लीज। जी बिल्कुल नहीं कामयाब होगी, क्योंकि मोदी हुकूमत खुद एक जराम पेशा लोगों की हुकूमत है, बल्कि मोदी नरेंद्र मोदी खुद एक जराम पेशा अवाम दुश्मन किसान दुश्मन आदमी है। उनकी पूरी आप 20 साल की 25 साल की पूरी सियासत देख लें, वो वही है और जिद्दी जिद्दी जिद का एलिमेंट भी है। तो ये इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये कवानीन जो है, तीन कवानीन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसमें किसानों की जो सब्सिडी है, यानी जो उनको जर तलाफी दिया जा रहा था, वो खत्म की जा रही है। अच्छा, फिर जो हुकूमत खरीदारी के लिए बाउंड थी कि भाई ये खास यानी बीज उनको जर तलाफी के साथ कम कीमत में दिए जाएंगे और जो खरीदारी है वो उनको कॉस्ट से ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे, अच्छा वो खत्म करके उनको ओपन मार्केट में लाया जा रहा है, मंडी की मईशत के शिकार किया जा रहा है, जिससे बहुत उसके मनफी असरात जो है वहां किसानों पे पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी हुकूमत जो है अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी, तो ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस मसले का वाहिद हल ये है कि जितने भी ये कानून है उन्हें फौरी तौर पर वापस। दोस्तों यहाँ पर होता है पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो खत्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने वीडियो देखा, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा पाकिस्तानी मीडिया जो किसान प्रोटेस्ट कर रहा है उस बारे में बात कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर उसी पहले दिन से बात कर रहा है, इसे पाकिस्तानी मीडिया ने बोला कि अब भारत के टुकड़े हो जाएंगे, सिख एक हो चुके हैं, सिख खालिस्तान बना देंगे। मतलब आपको पता है, आपने वीडियो देखे होंगे, बाहर भारत के बाहर अमेरिका हो, कैनेडा हो, या अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं जो संडे सैटरडे खालिस्तान का झंडा उठाकर आपको पता है नंगा नाचने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने खेत बेच बेच कर वहाँ पे जाकर प्रॉपर्टी खरीदे हैं और रेस्टोरेंट चला रहे हैं या तो टैक्सी चला रहे हैं। इनको इनको या तो पाकिस्तान फंड कर देता है तो इनको खालिस्तान का चस्का चढ़ जाता है, या तो यह भिंडरावाला के नाजायज़ औलाद हैं। इन्हें अपने देश से प्यार नहीं है। आपको पता है कि सिख भारत के कितने देशभक्त हैं, कितने सारे सिख भारत में रहते हैं, उनकी कितने सारे लोगों की प्रॉपर्टी पंजाब से बाहर है, यहाँ तक कि उनकी प्रॉपर्टी पटना में है, बिहार में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है। तो ये खालिस्तान बनाकर एक और मतलब एक और वो पासपोर्ट सिस्टम चालू करना चाहते हैं, जैसे वो अपनी पंजाब के सिख पाकिस्तान में 4 किलोमीटर दूर जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट देना पड़ता है, वहाँ पे गुरु नानक देव जी की गुरुद्वारा जाने के लिए पासपोर्ट देना पड़ता है। तो वो फिर से एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि पटना साहब जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट देना पड़े, या दिल्ली में जो गुरुद्वारा है वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट देना पड़े। मतलब ये पाकिस्तान फंडेड लोग या बाहर के जो लोग जो यहाँ टैक्सी चलाने वाले जो संडे सैटरडे जिनको ख्वाब आता है खालिस्तान बनाने का, बेवकूफ़ों से भारतीय सिखों को कुछ इनको जवाब देना चाहिए, मतलब इन बेवकूफ़ों को अच्छा खासा जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है किसान प्रोटेस्ट के बारे में और इन्होंने एक बोला है कि इस तरीके के बिल आने चाहिए, हालांकि इन बेवकूफ़ों को कुछ भी पता नहीं है। ये तो आप पता है मोदी विरोध में हर चीज़ बोलेंगे, अच्छी बात है इन्हें बोलने दो। और ये बात भी तय है कि मोदी ये बिल वापस तो लेने वाला है नहीं, क्योंकि ये बिल ऐसा कोई वापस लिया नहीं जा सकता, ये संसद से पास हुआ तो संसद में ही इस बिल को कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आप प्लीज़ अपने कमेंट में सुझाव बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया की इस मतलब इस प्रोटेस्ट को इतना कवरेज देने की क्या वजह है, और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और आप किसान कहाँ के हैं वो भी लिखें, क्योंकि आपको पता है कि सबसे गरीब किसान पंजाब और हरियाणा को छोड़कर ही हैं सारे देश के। धन्यवाद दोस्तों।